नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत हरिद्वार के साथ, जहां हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर सीएम धामी आज पहुंचेंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के इस बीच पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। दोपहर 1 बजे भल्ला स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां कांवड़ मेले को लेकर सीएम धामी की समीक्षा बैठक होनी है। जहाँ कांवड़ यात्रा के संचालन पर विचार मंथन किया जाएगा, कुमार समेत उच्च अधिकारी मौजूद होंगे। सीएम धामी अधिकारियों से इस बाबत फीडबैक लेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा। इस बीच निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो डीजीपी अशोक कुमार समेत उच्च अधिकारी मौजूद होंगे। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन पर आज विचार विमर्श हरिद्वार में किया जाना है, जहां डीजीपी अशोक कुमार समेत उच्च अधिकारी पहुंचेंगे। इधर सीएम धामी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, जो कि आपको बता दें कि 5 तारीख को कांवड़ यात्रा निकलेगी और इसी को लेकर कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाए, इसका पूरा ख्याल यहां पर रखते हुए अधिकारियों के साथ ये मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। तो लगभग दोपहर 1 बजे भल्ला इंटर कॉलेज यहाँ पहुंचेंगे। संजय हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हैं। संजय, देखिए कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कांवड़ मेले को लेकर इस यात्रा को सफल बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आज अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है, जरा जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर दीपिका, लगातार ही कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, जिसको देखते हुए लगातार ही जो प्रशासनिक अधिकारी है, जहाँ कांवड़ मेला जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अधिकारियों को जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो देंगे, क्योंकि मूलभूत सुविधा के साथ साथ जो शिव भक्त होंगे उनकी सुरक्षा लेकर भी इंतजाम किए जाएंगे। बिल्कुल, इस बार कुछ खास तैयारियां भी हम देख पा रहे हैं संजय। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो आसपास अतिक्रमण का एरिया है, जो रास्ते में आता है, उन अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। हालांकि अतिक्रमण को लेकर जो प्रशासन है बहुत सख्त नजर आ रहा है। इस बीच ये भी कहा गया है कि कांवड़ियों से भी उनके आईडी कार्ड्स हैं उसको मांगा जाएगा यदि आप प्रवेश करते हैं राज्य में। तो इस बाबत और जानकारी संजय। देखिए दीपिका, लगातार जब कांवड़ यात्रा चलती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो जाम की बन जाती है, जिसको लेकर कई स्थानीय लोग होते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन पहले ही एक विशेष प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि बीते वर्ष से इस बार जो रिकॉर्ड होगा वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि जो 4 करोड़ का जो आंकड़ा है कांवड़ियों का वो इस बार पार हो जाएगा, जिसको लेकर एक विशेष प्लान तैयार किया जाएगा। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए एक अलग से पार्किंग बनाई गई है और जो स्थानीय लोग होंगे उनके लिए एक अलग से रोड डाइवर्ट किया गया है। और जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे एक विशेष प्लान के, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जो बाहरी राज्यों से आने वाले शिव भक्त हैं उनके पास वेरिफिकेशन, यानी जो कांवड़ यात्रा करेंगे उनको अपना वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है और अपनी आईडी कार्ड भी साथ में रखना अनिवार्य है दीपिका। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है संजय, कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा है उसको सफल बनाना है। चार धाम यात्रा अलग अपनी चल रही है। चलिए आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर। तो हरिद्वार में 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में आने वाले कांवड़ियों के लिए जीआरपी पुलिस ने अपनी कमर कसी है। जीआरपी की ओर से कांवड़ मेले को हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्सर 3 जोन में बांटा गया है। कांवड़ियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन से भी बातचीत हुई है। कांवड़ मेले में अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के साथ ही पीने का पानी और टॉयलेट की व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। टोटल 3 जोन्स रहेंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्सर, जिसमें लगभग 120 की तैनाती हर थाने, हर सेक्टर में की जाती है। और इसके अलावा हमने पुलिस मुख्यालय से 200 के करीब फोर्स की डिमांड की हुई है, जो हमें मिलने के आशा है, और एक एटीएस टीम भी यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा हम लोग जो कांवड़ियों के सुविधा के लिए हम लोग रेलवे प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त ट्रेनों के लिए उसकी उपलब्धि कराई जाए, और जो कांवड़ी यहाँ पे जो बातें हैं तो उनको ड्रिंकिंग वाटर और मोबाइल टॉयलेट फैसिलिटीज़ बाहर के साइड में, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर के साइड में, और
रेलवे के एरिया में भी उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी किसी भी तरीके से अनकम्फर्टेबल ना हो कावड़िया, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। और उनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा फोर्स आरपीएफ की तरफ से भी डिप्लॉय किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा को रोक दिया गया है। भारी बारिश की संभावना है और इसी कारण यात्रा प्रभावित हुई है। धाम सहित पैदल मार्ग पर भी बारिश लगातार जारी है। सुरक्षा जगहों पर यात्रियों को रोक दिया गया है। सोनप्रयाग में 5,000 यात्रियों को रोका गया है। गौरीकुंड में भी 3,000 यात्रियों को रोका गया। अब मौसम साफ होने पर ही यात्रा की शुरुआत हो सकेगी। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें यात्रा को अभी रोक दिया गया है। देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है, चूंकि भारी बारिश का अलर्ट है और किस तरीके से यहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि भारी बारिश के चलते जो सड़कें हैं, जो मार्ग है, वो बाधित हो रहा है। यात्रा को लगभग यहां पर रोक दिया गया। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि जब तक मार्ग सही नहीं होगा, यात्रा को वापस खोला नहीं जाएगा। संजय हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय देखिए, भारी बारिश का अलर्ट तो यहाँ पर जारी कर दिया गया है और रेड अलर्ट पिछले कई दिनों से जारी किया गया है कई जिलों में, लेकिन अब ये देखा गया है कि लगभग काफी संख्या में यहाँ पे हमें जो श्रद्धालु है नजर आ रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट है और यात्रा को भी रोक दिया गया है। जरा जानकारी दीजिए संजय। देखिए दीपिका, उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण अब लगातार ही उत्तराखंड के सभी जनपदों में लगातार बारिश हो रही है। अगर ऋषिकेश की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए या फिर हरिद्वार की बात की जाए, यहाँ पर लगातार ही बारिश के कारण जो जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और लगातार हो रही बारिश से जो यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जो यात्रा है वो अभी रोक दी गई है और जैसे ही मौसम साफ होगा तो यात्रा फिर से चालू की जाएगी। फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना, यदि हम उनके इंतजाम की बात करते हैं तो यहाँ पर सरकार के द्वारा उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? चार धाम शुरू होते ही जो तीर्थ यात्री थे वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे थे, ऐसे में अब जो यात्री है वो भी बेहद परेशान है, क्योंकि शुरुआत दौर की बात की जाए तो लगातार ही जो तीर्थ यात्री है उनकी मौसम लगातार परीक्षा ले रहा है, जिस कारण कहीं ना कहीं यात्रा मार्ग है जो वो भी प्रभावित हो जाता है। हालांकि लगातार ही जो जिला अधिकारी है, जिला प्रशासन अधिकारी है, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर मौसम खराब होता है तो आप कहीं ना कहीं यात्रा ना करें। चलिए बहुत शुक्रिया संजय, आगे भी आपका रुख करेंगे हम, बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। हालांकि यात्रा को अभी रोक दिया गया है। इधर उत्तरकाशी के पुरोला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आसमान पे बिजली गिरने से एक युवक की मौत की खबर मिल रही है। खेत में रोपाई करने गया था युवक, जहां 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। उत्तरकाशी के पुरोला तहसील के कंडियाल गांव में रोपाई के लिए खेतों में गए एक ही परिवार के लोगों पर आसमानी बिजली गिरने से एक की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। इधर मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। इधर देहरादून समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों से जलभराव की समस्या पैदा हो रही है। मौसम विभाग ने इस बाबत जानकारी साझा की है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो देहरादून समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आपने देखा किस तरीके से चारधाम यात्रा भी इससे प्रभावित हुई है और रास्ते इस वक्त जलमग्न है, इसी को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने इस बाबत जानकारी साझा की। ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। राजधानी देहरादून का भी नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर जरा आप देखिए। तो मौसम विभाग ने इस वक्त एडवाइजरी जारी की है। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में खतरे के निशान पर गंगा पहुंच गई है। चेतावनी के निशान यानी कि 293 मीटर के करीब गंगा का स्तर पहुंच गया है। ऋषिकेश के रिवर राफ्टिंग पर
रोक लगा दी गई है। कैबिनेट मंत्री ने गंगा नदी का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी करते हुए गंगा किनारे रह रहे लोगों को जागरूक किया। मानसून के पहले दिन तमाम 155 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। फिलहाल तस्वीर जरा आप देखिए, गंगा इस वक्त खतरे के निशान के आसपास नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर। अधिकारियों को का कहना है कि आप रहिए और जो गंगा किनारे रह रहे हैं उनको जागरूक करने की बेहद जरूरत है, उनको जागरूक रहना होगा। इधर लक्सर और खानपुर से बड़ी खबर है, विधानसभाओं के खादर इलाकों में बसें सभी गांव के लोगों की धड़कनें तेज होने लगती हैं क्योंकि लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगता है। इसका बड़ा कारण ये है कि दोनों विधानसभाओं के करीब 30 से अधिक गांव और गंगा और सोनाली नदी के आसपास बसे हुए हैं। वहीं दोनों नदियों के तटबंध पिछली बार आई बाढ़ से ध्वस्त हो गए थे, जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार यदि ज्यादा बारिश हुई तो भारी बारिश जो है वो तबाही भी मचा सकती है क्योंकि ना तो टूटे तटबंध ठीक कराए गए हैं और ना ही बाढ़ से बचाव के कोई ठोस प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए गए। तो यो बनवा रहे सरकार ने, ये बंदा टूट गया, लोग इतने जनता परेशान होते जब पानी और डेरे जाते, कम से कम ना तो हजार बिगे तो शायद होगी, लगभग कुछ नहीं होता है। यहाँ से ठोकर आओ, ये एक हर साल बंदो ठोकर ही है, ये गिर जा। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में एक बार फिर खतरे घंटी बजने वाली है। इसकी वजह यह है कि मानसूनी बारिश शुरू हो गई है और गंगा और सोलन नदी के तटबंध टूटे पड़े हैं। कई इलाकों में तो पहले से ही गंगा और सोलन नदी का पानी फ्लड के रूप में घुस जाता है और तबाही मचाता है। इस बार ज़्यादा तबाही होने के आसार इसलिए भी हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि समय रहते इनका इंतजाम नहीं किया गया तो ज़रूरी नहीं कि इस बार बाढ़ से इस क्षेत्र को बचाया जा सकता है। वजह यह भी है कि अकेले गंगा नदी के किनारे करीब 30 गांव ऐसे हैं जो आसपास बसे हुए हैं और उनका टोटल कृषि क्षेत्र गंगा नदी से मिला हुआ है। ऐसे में तटबंध टूटे होने की वजह से गंगा नदी का फ्लड यानी ओवरफ्लो होकर के तमाम पानी फसलों में घुस जाएगा और आबादी तक भी पहुंच सकता है, जो कहीं ना कहीं कहर मचा सकता है और इसका नुकसान सीधे सीधे इस क्षेत्र के ग्रामीणों को पहुंचना तय है। हालांकि प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण चौकियां स्थापित की गई हैं, लेकिन चौकियों पर क्या इंतजाम है ये देखने वाली बात है, चूंकि अभी तक कोई कर्मचारी भी तैनात नहीं है और ग्रामीण इसे लेकर के सहमे हुए भी हैं। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। शहर में जलभराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। हरिद्वार में मेयर अनीता शर्मा के खिलाफ नारेबाजी हुई है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया, नालों की सफाई कराने की जिम्मेदारी मेयर के पास होती है। मेयर अनीता शर्मा का दावा खोखला निकला है, तमाम बातें कहते नजर आए हैं। तस्वीर देखिए, लगातार बारिश की चेतावनी ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बीच भी लगातार सड़कों पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर बीजेपी पार्षद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, कहा है कि नालों की सफाई का जिम्मा मेयर के हवाले होता है, लेकिन मेयर अनिंदा ने किसी तरह की कोई स्थिति को नहीं बनाया और ना साफ सफाई करवाई है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। देहरादून में परेड ग्राउंड में युवरानी महेंद्र कुमारी 18वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज आयोजन होगा। 27 जून यानी कि कल इसका आयोजन। इस एथलेट चैंपियनशिप का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह करेंगे। इस पूरी प्रतियोगिता में पूरे देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दो दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 30 साल से लेकर 105 साल तक के उम्र के खिलाड़ी भाग लेंगे, जो अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपने जौहर को दिखाएंगे। इस एथलेटिक चैंपियनशिप के आयोजन समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि इस तरह के आयोजन से खेल में राज्य में खेल का विकास होगा और खिलाड़ियों का भी मनोबल उच्च होगा।
उत्तराखंड के मंगलौर में पिछले दिनों से गर्मी की मार झेल है लोगों को बारिश होने से सुकून मिला, लेकिन आम का सीजन शुरू होने के साथ ही साथ बाजारों में आम की अलग अलग वैरायटी भी देखी जा सकती है। लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, आम का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं बाजारों में इसका असर पड़ा है, लेकिन मंगलौर का दशहरी आम दूर दूर तक फेमस है। बताया जाता है कि मंगलौर के बागों में दशहरी आम को देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी पसंद किया जाता है। इसमें अलग अलग वैरायटियां उपलब्ध होती हैं, इसमें से दशहरी, लंगड़ा, चौसा, कलमी आम शामिल है। ये मंगलौर का आम है और मशहूर है यहाँ का आम। जैसे जैसे गर्मी होगी, फिलहाल तो मंदा है, वैसे ही तेजी बढ़ती चली जाएगी। ये दूर दूर तक मशहूर है आम, यहाँ का मंगलौर का बड़ा फेमस आम है। ये दशहरी आम है, ये मंगलौर का मशहूर आम है, ये दूर दूर तक जाता है। और ये इसमें वैरायटियां कई है, जैसे कि लंगड़ा और दशहरी है और चौसा है और कलमी भी है और बहुत वैरायटियां होती हैं, लेकिन ये दशहरी जो है सबसे ज़्यादा फेमस होता है, ये सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, ये जो है सबसे अच्छा होता है खाने में, ये दूर दूर तक जाता है, विदेशों तक जाता है। ये मंगलौर का मशहूर आम है, ये मंगलौर का। इधर लक्सर में बकरीद और ईद और कांवड़ मेले को लेकर पुलिस ने सर्व समाज के मुख्य लोगों के साथ मीटिंग की है और मीटिंग में त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर और किसी को भी ठेस न पहुंचाने को लेकर अपील की गई है। साथ ही साथ चेतावनी भी जारी कर दी गई, बकरीद और कांवड़ मेले के त्योहार पर कोई भी व्यक्ति माहौल को खराब करने की कोशिश न करे, अन्यथा उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इधर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह सख्त लहजे में हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति अमर्यादित और कानून विरोधी काम करता पाया गया, अन्यथा उसे त्योहार मनाना भारी पड़ जाए। उन्होंने कहा कि सभी को ईद का त्योहार कांवड़ मेला मिलकर मनाना चाहिए। सोशल मीडिया काफी सेंसिटिव रहता है और खबरें फैलाने में सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है, तो क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट टूल सोशल मीडिया है उतना ही उसका लापरवाही भी यूज़ भी नज़र आता है, तो इस संबंध में भी चेताया गया लोगों को कि कोई भी ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पे ना जाए, जैसे कुछ भड़काऊ भाषण हो या कोई भड़काऊ फोटो हो तो ना डाले सोशल मीडिया पे, इसकी भी अपील। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर नगर निगम ने चलाया है अतिक्रमण हटाओ अभियान। कांवड़ मेले को लेकर गंगा घाटों पर चला यह अभियान, 30 अवैध झुग्गी झोपड़े को इस बीच ध्वस्त किया गया है, घाटों पर 30 अस्थायी दुकानों को भी हटाया गया है। डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान इस वक्त किया गया है और दोबारा अवैध कब्जा करने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम टीम ने रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में भी ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इधर गंगोली हाट नगम में मध्य में स्थित माँ छिमाल देवी मंदिर में 40 वर्ष के बाद हाट पट क्यूडा सहित क्षेत्र की जनता के सहयोग से 21 जून और 30 जून तक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ सैकड़ों महिलाओं ने पंचम दिवस पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए हैं। भगवान कथा को सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु क्षमा देवी मंदिर में पहुँच रहे हैं। इधर बीजेपी का गंगोली हाट विधानसभा में महाजनसंपर्क अभियान लगातार जारी। गंगोली हाट के विधायक फकीर राम टमटा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। राम टमटा ने बताया है कि अभियान 31 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं महाजनसंपर्क अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।